न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत। फिलहाल कोरोना एक लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है। WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। और संसार में आई कोरोना महामारी को भारत में फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश में बीते 2 सप्ताह से लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही जनता को इस बीमारी से बचने के लिए कई हिदायतें भी दी गई, जिसके अनुसार किसी से हाथ न मिलाना, अनजान वस्तु को न छूना, भीड़ इकट्ठी न करना, मुंह पर मास्क लगाना, तबीयत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना और सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाज में सभी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन दिल्ली के बहुत से स्थानों पर आज भी लोगों को न तो कोरोना का खौफ है, न ही प्रशासन की अपील का ध्यान। यह नजारा है पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके का, जहां आप खुद देख सकते हैं कि यहां की जनता किस प्रकार से लॉकडाउन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। कैमरा देखते हैं तो कुछ दुकानदार तो दुकान बंद करके भागते नजर आए, वहीं बहुत से ऐसे दुकानदार भी थे जिन्होंने न तो मुंह पर मास्क लगाया था, न हाथों में ग्लव्स पहने और न उनके काउंटर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जा रहा था। इलाके की मार्केट में पुलिस के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पुलिस वाले भी बस खाना पूर्ति करते ही नजर आए। यदि पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाए तो यहाँ के हालात सुधर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्षेत्र में कोरोना महामारी का तांडव बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल्याणपुरी के 11 ब्लॉक नंबर में किराना दुकान वाले किस प्रकार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानदार कैसे अपनी दुकानों के आगे बाहर भीड़ लगाकर सामान बेच रहे हैं। आइए जानते हैं मार्केट के प्रधान बिट्टू से कि उनकी इस मार्केट का ये हाल है तो वो अपने इलाके को कोरोना से कैसे बचा। नाम बताइए अपना, क्या नाम आपका? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू भाई ये बताइए, एक तो लॉकडाउन है जी, दूसरे पूरा मार्केट खुला हुआ है, लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आराम से बैठी, जब कैमरा देखा गया लोग दुकान बंद करके भाग रहे हैं, सामान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या है आप लोग ने क्या करवा रखा है यहाँ पे? नहीं नहीं सर जनाब, एक कल यहाँ पूरा दिन बंद रखा है दुकान। हाँ यहाँ खोलते हैं पूरे रोज तो फिर भीड़ लगती है। हाँ अब देख कल बंद रखी पूरा दिन यहाँ लॉकडाउन रहा। अच्छा तो आज थोड़ी देर के लिए खुला है 5 बजे तक के लिए। हाँ नहीं तो पब्लिक को राशन भी नहीं मिलेगा। खाली परचून की दुकान खुली है, आप देख रहे हो। अच्छा आपने ये भी बंद कराने, हम ये भी बंद करा देंगे। एक बात बताइए, लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे, लॉकडाउन का पालन थोड़ी हो रहा है? नहीं वो आप कह रहे हो लोग चढ़ रहे हैं, गोलदार बना रखे दुकानदार खुद ग्लव्स पे नहीं है, सैनिटाइजर कर रखा, कुछ कर रखा है, एक दुकान में मुझे सैनिटाइजर ग्लव्स दिखा दीजिए। चलिए आइए इधर चलिए नहीं इधर आइए, आपको ग्लव्स है, आपका लाइए ग्लव्स दिखा दीजिए। कहा है ग्लव्स दिखाइए आप? इसके बगैर तो मैं आता ही नहीं दुकान पे। पहने क्यों नहीं आप लोग? पहने थे अभी निकाले आपके हाथ। अच्छा हमारे निकाल लिया आपने? अरे भाई साहब सैनिटाइजर देख लो, सैनिटाइजर सब कुछ है। और दुकानों में है सैनिटाइजर ग्लव्स? और दुकानों में इधर मैंने सबका बोल रखा है सैनिटाइजर ग्लव्स के बगैर कोई आएगा नहीं दुकान पे, ऐसी बात नहीं होगी। न्यूज फॉर सिटी के लिए कैमरा मैन जगजीत के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट। अरे भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ आपको मालूम है ना सोशल डिस्टेंस बना कर रखना है, आपने पूरा पुलिस कवाड़ी तो भीड़ लगा कर रखा दुकानों पे। किसे गोल चक्कर में खड़े हुए अभी आपने लगाया ना कैमरा देखने के बाद? पहले से खड़े हुए सर पहले जी। आंटी मास्क ग्लव्स कहाँ है आपके? मास्क ग्लव्स कहाँ है? ये है ना वो हो गया मेरा। क्या हो गया आंटी? इसमें छींक आ गई थी मैंने निकाल दिया। अच्छा ये दुकान कैसे खोल रखा है आप लोग, कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही आप लोग? ये